वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए सीसी बटन पर क्लिक करें। फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। अरे नया नला है, पानी भी का दिक्कत है, न रोड भी है, आते जाते मनी भी न जा पाए न हो पाए। यहाँ भी आधा मनी जाते जाते आधा मनी खत्म हो गए थे। विकास नहीं होने से यहाँ के निवासियों को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, शौचालय, सड़क, नाली, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है, तो लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। ना लोगों को आवास मिला है, तो इस तरह से झोपड़ी बना के रह रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं, तो यहाँ लोगों को कुछ भी जागरूक ना किया गया है, ना लोगों को सरकारी लाभ दिया जा रहा है। बस जब चुनाव होते हैं तो लोग बड़ी बड़ी वादा करते हैं, इसके बाद कोई झांकने तक नहीं आता है। तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मजबूर है, बहुत ज्यादा समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ कोई विकास नहीं है, गाड़ी नहीं आती, हम लोग पैदल जाते हैं। कितना दूर जाती है? बहुत दूर जाते हैं, सड़क में जाते हैं तो गाड़ी पाते हैं। वो डिलीवरी होने वाला तो उसको ले जाएं, हम जाते जाते रास्ते ही में हो जाते हैं, तो क्या करें? आप ये बताइए, यहाँ हमको कुछ सुविधा नहीं था। दीदी कब से रह रहे हैं? 50 साल से रहे हैं। क्या क्या समस्या है? समस्या है कि आज झोपड़े में साहब रहते हैं, ना कॉलोनी मिली राम साहब, ना रास्ता है। हम लोग झोपड़े में रहते हैं, मालिक 11 आदमी, ना लाइट ही साहब, लाइट बहुत दूर से लाइट आती है। हम लोग 11 आदमी गरीब आदमी मरते हैं साहब, और झोपड़े में ना कॉलोनी मिली, ना साहब, ना कुछ मिला है। यहाँ पीढ़ी बीत गई, तो वो अब लोग अपना आवेदन करेंगे, जब बात टारगेट मिलेगा भारत सरकार को, तो टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 3 किलोमीटर सड़क भी नहीं है सर, तो सड़क के लिए ग्राम पंचायत की बैठक होती है, वहाँ कोई वार्ड मेंबर होगा, अपनी कार्ययोजना नाम पेश कर, वो तो अपने गांव की वार्ड की कार्ययोजना बनाए, क्या काम होना है। आपके तरफ से क्या प्रयास होगा सर इस गांव की कार्ययोजना? जब ग्राम पंचायत कार्ययोजना पास करेगी तभी हम कुछ यहाँ करा पाएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।